Hi everybody, this is Hasan Chaudhary and you're tuned into something hot. I have with me right now our editor in chief Amna Isani. Amna, kaisi hain aap? Aap kaise hain sir? Main to theek hoon. Aise nahi lag raha hum kisi shaadi pe aa gaye. Zabardast lag raha hai. Ek to mausam bahut acha hai Karachi ka. हाँ लोग लग रहा है लेकिन अच्छी बात है तो ये बताएं तो सही हम हैं कहाँ पे लोगों को क्या पता सो वी आर द रैप अप पार्टी ऑफ परे हट लव और अगले साल ये ईद उल अज़हा पे फिल्म आ रही है और अगला साल जो बड़ा कंपेटिटिव है फिल्मों के लेके ट्रू और परे हट लव में जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए शहरयार मुनव्वर हैं माया अली हैं महिरा का स्पेशल रोल है महिरा का ज़ारा नूर अब्बास हैं और मेरे ख्याल है 30 लोग हैं देयर आर 30 पीपल ऑन द कास्ट Really? Yeah, that's what we just found out. 30 people on the cast. So, मेरे ख्याल में बहुत सारे उनमें से लोग यहाँ पे होंगे जिनसे मुलाकात करेंगे. They're all here and we'll be meeting with them and asking them some fun questions. कुछ बताएंगे किस तरह के सवाल? मतलब है कि ज़माना बहुत सख्त है. हाँ. तो ऐसे ज़माने में लव को परे तो नहीं हटाना चाहिए. बिल्कुल नहीं. सबसे बड़ी बात ये है. सही है. तो और भी सवाल हैं. कुछ शहरयार की तीसरी फिल्म है. और पहली फिल्म है विदाउट मायरा और माया उनकी को होस्ट हैं माया की दूसरी फिल्म है पहली बहुत कामयाब थी तो सवाल तो बहुत से हैं आपके जहन में भी होंगे मेरे जहन में भी हैं मसलन वक्त आने पे ठीक है सो लेट्स कैच यू गाइस ऑन द रेड कार्पेट एंड ऑन द स्टेज एंड लेट्स सी हूज हियर ऑलरेडी स्टे ट्यून्ड हमारी कास्ट माशाल्लाह से ऐसी है कि नाम मैं शुरू करता हूं तो खत्म नहीं होती कास्ट की सुना 30 बिग यस यस वी हैव गॉट माशाल्लाह ऑल द हुज हु ऑफ द इंडस्ट्री आसिम हैज मैनेज्ड टू ग्रैब एवरीवन इन सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट सिर्फ उसके लिए नहीं हमारे सारे डिपार्टमेंट्स में वार्डरोब में वी हैव गॉट उमर सईद वी हैव गॉट स्माइल फरीद यू नो कोरियोग्राफी में जाता हूं वी हैव गॉट निगा यू नो अच्छा छोड़ो ना नाम ना प्लग करो मुझे ये बताओ कि आजकल इतनी प्यार की कमी है जिंदगी में तो ये परे हट लव यार क्यों हुआ है प्यार की कमी है तो परे हट लव क्यों हुआ है एक्चुअली अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने इसीलिए ये फिल्म बनाई है क्योंकि प्यार की कमी है आई थिंक एज अ जॉनरा हमने एक क्लासिक रोमांस अभी तक पाकिस्तान में जब से रिवाइवल की बात हुई है किसी ने क्लासिक रोमांस नहीं दिखाया सो मैं एक्साइटेड बहुत हूँ इस फिल्म के लिए क्योंकि इसको आई कॉल इट अ रोमांटिक फिल्म फर्स्ट रोमांस फर्स्ट एंड देन अ कॉमेडी सो उस तरीके से इट्स अ न्यू थिंग इट्स अ वेरी सोलफुल रोमांस बहुत हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स होंगे इसमें तो जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है कि 2019 की ईद उल अज़हा का इंतज़ार करें और आपको बहुत हार्ट वार्मिंग रोमांस मिलने वाला है इसमें तो ये पहली फिल्म है आपकी जिसमें मायरा आपकी लीड नहीं है तो ये कैसा लग रहा है अभी तो और भी फिल्में होनी हैं फिर से लीड हो जाएंगी नहीं बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज माया के साथ मेरा पहला काम है ये एंड आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग विद हर बेसिकली एक्टर केमिस्ट्री की बात होती है अगर वो काम कर जाए तो आपका जो काम करने का प्रोसेस होता है वो बहुत मज़े का होता है और अगर आपका काम करने का प्रोसेस मज़े का होता है तो वो ट्रांसलेट करता है स्क्रीन पर तो स्क्रीन पर जब आएगा वो तो आप लोग बताएंगे मुझे कि कैसा था लेकिन मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता प्यार तो प्यार होता है उसको परे हट नहीं कहा जाता कह रहे हैं ना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हाँ किसी का नाम लव हो तो उसको आप कह सकते हैं परे हट लव इसमें जिस तरह कोई आप जब रिलेशनशिप में होता है जब किसी से आप प्यार करते हैं तो गुस्सा भी होता है झगड़ा भी होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं तो ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि क्यों ऐसा कहा मुझे ये बताओ कि तीफा वाज सच अ बिग हिट एंड यू वर फैंटास्टिक इन द फिल्म उस वक्त के बाद फिल्म रिलीज होने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है मुझे अली ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि किसी भी चीज़ को यहाँ मत चढ़ाना तो यहाँ नहीं चढ़ाया तो मुझे लगा कि सब नॉर्मल है वही लोग हैं जो पहले मेरे साथ काम कर रहे थे मैं उनके साथ कर रही थी डेफिनेटली बहुत कुछ सीखे वहाँ पर आए और यहाँ पे और बहुत कुछ सीखने को मिला तो सीखने का प्रोसेस अभी चल रहा है और आगे भी चलती रहूँगी तो फिल्म के बारे में व्हाट कैन यू टेल अस इज इट अ डिफरेंट रोल फ्रॉम आनिया ऑफ कोर्स और चैलेंजिंग है कि नहीं जी डेफिनेटली है मुझे लगा था इस फिल्म से पहले कि इसमें क्या करना है मुझे कुछ भी नहीं करना है तो बहुत आसान होगा एक्शन नहीं है इसमें लेकिन मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर की अपनी डिमांड होती है उसको उसी की तरह करना पड़ता है तो इसमें वो सब कुछ मैंने किया जो मुझे पहले फिल्म में मौका नहीं मिला इसमें आपको बहुत से अच्छे डांसेस मिलेंगे बहुत कुछ ऐसा है जो अदा मैं उसमें ना कर पाई वो मुझे आसिम ने यहाँ पर डांट के गुस्से में प्यार से वो करवाया
डांस मुश्किल है, मैं भी बोलूँगी डांस बहुत मुश्किल है, लेकिन यस नेगा जी हमारे कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, तो आई होप कि जो चीज़ें मुझे वहाँ करने को नहीं मिली वो आप लोग यहाँ देखेंगे. मतलब आइटम नंबर इस बार मैं कहूँगी शादी नंबर. शादी नंबर जबरदस्त जबरदस्त. आपको पता है कि यू गॉट वेरी लार्ज शूज टू फिल. एक तो शहरयार की पहली दो फिल्म्स मायरा के साथ थी और आपके रोल में पहले मायरा थी, तो कैसा फील हो रहा है? शहरयार के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और उनकी डेफिनेटली मुझे उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस था फिल्म का और मुझे लगा था कि अब अच्छा चले मैं जाऊंगी और फिर वो कहेंगे कि नहीं माया मुझे पता है, प्रोड्यूसर भी वो हैं फिल्म के. लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा, मुझे लगा कि मैंने इस फिल्म में एक दोस्त भी बना लिया है और हमारा एक काम करने का तो चैलेंज जो है एक तरीका एक दोस्ती ज़्यादा हो गई है, तो वो आसानी रही थी. और जहाँ तक माहिरा की बात है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आसिम ने जब मुझे कहा था कि तुम ये फिल्म करोगी, तो मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं, ये मौका मैं मिस नहीं करूँगी. इसके अलावा कोई बात नहीं हुई. परे हट आसिम नहीं कहा ये मैं कह ही नहीं सकती, कभी भी नहीं कह सकती. अच्छा, लव को परे क्यों हटा रहे हैं? देखें, आजकल लव हर जगह फैला हुआ है और मौसम की बायस हम लोगों ने कोशिश किया कि वैक्सीन दें और वो वैक्सीन जो है हमने शेरियार मुनव्वर की फॉर्म में दी है और हम लोग ये स्प्रेड इसलिए करें कि बहुत ज़्यादा लव जो है उससे बुखार हो जाता है और बंदा कुछ करने जोगा नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग परे हट लव कर रहे हैं. तो आप डॉक्टर का कैरेक्टर तो नहीं प्ले कर रहे परे? जी नहीं, मैं इसमें डॉक्टर का नहीं प्ले कर रहा, मैं इसमें शेरियार का बेस्ट फ्रेंड बना हूँ जो कि इसको कहता है कि हाँ हाँ लव को परे ही रखो, मगर बाद में उसको खुद ही रियलाइज होता है नहीं लव तो घुस गया. तो टॉक अबाउट योर कैरेक्टर, कुछ डिटेल्स बताएं ना. यार डिटेल्स ये है कि ऑब्वियसली बात है ही इज शेरियाज फ्रेंड इन दिस फिल्म और ही इज काफ़ी श्रूड बंदा है, अपने मतलब से काम रखता है और उसको हमेशा शेरियाज से काम ही होता है कोई. मगर ये है कि ऑब्वियसली बात है एक पॉइंट आता है फिल्म में जहाँ वो रियलाइज करता है एवरीथिंग. इट्स अ वेरी ग्रैंड फिल्म, एपिक स्केल पे शूट हुई हुई है, टर्की पाकिस्तान बहावलपुर में हम लोग गए, ऑल ओवर पाकिस्तान एक्चुअली शूट हुई है एंड गाने बहुत बहुत प्यारे बाकी एक्चुअली. आपका गाना है इसमें? होगा यार, देखिए सरप्राइज होना चाहिए, कुछ चीज़ें सरप्राइज होती है. अगर मैं हर चीज़ आपको बता दूं और मैं ये भी बता दूं कि जे पी एन ए टू में आप का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही अच्छा था, तो देखे ना कुछ चीज़ें. मैं समझ गया आपकी बात. तो पिछली बार आपकी जब क्लीन शेवन लुक आई थी जेपीएनए 2 में, तो वो तो हमें पता है कि आपने क्या हंगामा किया था. तो इस बार ये दोबारा क्लीन शेवन लुक, इसके पीछे कोई राज तो नहीं है? वो मैं नहीं था, वो मेरी कजन थी मैना, वो उसने किया था. मैना नहीं हूँ, मैं अहमद अली पाठ हूँ. अच्छा, तो ये मैना भी कुछ दोबारा हम देखने को मिलेंगे हमें? नहीं, मैना बहुत पैसे लेती है आने के और जाने के भी. अच्छा, फाइनली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. परे हट लव के बाद वी हैव लाइक टू प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन. इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू बी अनाउंसिंग माय फिल्म प्रीटी सून, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट. व्हेन यू से माय फिल्म, यू मीन व्हाट? लाइक व्हाट? आई एम डायरेक्टिंग इट एंड आई एम गोइंग टू बी स्टारिंग इन इट. सो हीरो? जाहिर बात है सर, अब टाइम आ गया हीरो बनने का. सर आई एम श्योर यू आर द म्यूजिक डायरेक्टर एज वेल, राइट? नहीं, उसमें नहीं, म्यूजिक क्यों? मैंने अपनी फिल्म में थीम सॉन्ग करूंगा. हाँ, बाकी नहीं, तो उसका जॉनर तो बता दें, कुछ तो बताएं ना. इट्स रोम कॉम है, एक्शन है? इट्स एक्शन कॉमेडी. एक्शन कॉमेडी? इट्स अ प्रॉपर एक्शन कॉमेडी. ओए होए सर, आपने जालिम खबर दे दी है सर. इंशाल्लाह वेट करेंगे सर. जरूर. तो ज़ारा, योर डेब्यू फिल्म कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम वेरी एक्साइटेड, बट इससे ज़्यादा मैं इमोशनल, बिकॉज आसिम रज़ा वो ऐसे कर लेते हैं जैसे आप उनके बच्चे, और बस डिटैचमेंट में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड. So what's the your character like in the film? The name of my character is Shabbo. Shabbo? Yeah. She is a masala. और वो पटाखा इंसान है, बट मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, बट आई थिंक यू विल लव लव हाउ शी कम्स फॉर बिट्स एंड पीसेस इन द फिल्म एंड देयर इज समथिंग, देयर इज अ लाइट देयर विद हर, बट ओ माय गॉड, आई कांट टॉक मच, आई कांट से मच. आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था? यार पहली फिल्म करना वैसे भी एक यू नो इट्स लाइक अ बिग डील. या तो जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ, तो व्हाट वर द थॉट्स इन योर हेड? आई वाज वेरी एक्साइटेड.
The thing is, jab aapko pata ho na ki aage kaun aapko offer kar rahe hai, matlab people like Asim Raza, we don't have someone like Asim Raza in our field. Bahut achhe directors hai, but Asim Raza ek hi hai. So when he offers you something, to aap kehte hai, yaar, okay, we got to do this. So I was very happy, I was very confident always that, okay, with him, I'm very comfortable. So mujhe pata hai ki jo bhi karayenge, it's going to be eight. So a word on your co-stars, how was it working with Sherry and there's Mahira as well? Maya, they're amazing people, yeah. Not only amazing actors, they're amazing as human beings. Maya has given me so much space on screen to explore myself as an actor. Very less actresses do that. I feel like, matlab actors mein thoda ho jata hai ki, you know, like let me do this. Maya, alhamdulillah, is has no facades, has no veils on her. Mahira is also a beautiful person, but I don't have any scenes with her. Sheri is a sweetheart, and Ahmad sahab, everybody has been amazing, alhamdulillah. So basically, aap ye bata rahi hain ki koi ladaiyan nahi hui set ke upar. Actually, koi ladaiyan nahi. Aaj hum subah ro rahe the ki we are gonna miss each other so much. Hamari waqai koi ladaiyan nahi. Love and graciousness that you have. Industry mein zyada nazar nahi aati. There's so much rivalry, aur behind the scenes wo jo ek cinema ka magic bhi isi se banta hai. But where does that come from? Where does that grace come from? I don't know. I just think that I don't know. Honestly, Amna, people like. I mean, I read things, you know, and I and this is a topic I'd like to talk about at length. There are times where I'm sitting and asking people like, does this exist? And of course it exists. I mean, you do feel sometimes, you know, envious of people. There are times that you feel that someone's gotten something that was undeserving. You know, there are all these feelings that can crop up. But I think that, like you said, it's so important to grace, like you call it. There has to be grace, you know, especially with success. The more you are successful, the more you have to sort of be gracious about it. The more. My mother always says, in fact, this is something that I'd like to tell girls and boys who's, you know, younger, starting out or whatever, but my mother puts me in my place like it's nobody's business, Amna. She always says, she says, agar tum abhi se sajde mein baith jao, aur puri raat laga do, phir bhi tum jitna bhi shukr karo kam hai. She also says another thing, jis ped mein zyada phal hote hain, wo to aur jhukta hai. So it's such a lovely thing to say. It is. I mean, of course, I'm also human, I go through, but I think you have to just go through it. People have been waiting to see you and Fawad together for 7 years, since Hamsafar. Wo ho ke nahi de raha scene. एक तो हम सफर में भी आपने बहुत लोगों को तरसाया अब तो मतलब बहुत बोल्ड हो गया है इट्स बीन 7 इयर्स इट्स जस्ट इनसेन इट्स बीन या एब्सोल्युटली यू नो आई कांट बिलीव इट मायसेल्फ वी आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन यू नो आई एम एक्चुअली लाइक आई टोल्ड यू दैट आई हैवंट सीन द टीजर एंड बिलाल इंसिस्ट दैट आई हैव एंड दैट आई डोंट रिमेंबर इट यू नो बट आई एम सो स्केर्ड बिकॉज़ आई नो दैट देयर इज अ big chunk of people just waiting that it's Fawad and Mahira. Oh, yeah, absolutely. Yeah, but it's not. You know, what makes me really happy is that apart from Hamza, who's amazing, and Umayma, who people also have been waiting to see on screen, and she is, I'm not just saying this because I'm being all, like you said, gracious and all. No, I've seen stuff and I'm like, wow, like it hits you, you know? And I hope I'm also good in it, but Mala Jat is Mala Jat. It's Fawad's, you know. Yeah. And I'm happy because his fans bug me all the time. I'm like, here, now see what he was doing for 2 years. So I'm excited for them to see that. And yes, of course, I think this will be more of a, less of a girl-boy sort of love. It'll be more of a man-woman chemistry. Similarly with this, I'm very excited about something I'm doing in this. Yeah. So from Mala to Parey Hut Love. Yes. Good luck. Yes. सर एक सवाल जो हम आपकी पूरी टीम से पूछ रहे हैं वो ये है कि आप लव को परे क्यों हटा रहे हैं ये मैंने अभी जिस तरह आपसे कहा कि इमरान से पूछें कि ये इमरान का दिया हुआ नाम है फिल्म को और उन्होंने बड़ा मज़े से उसको एक्सप्लेन किया कि उनका कहना है कि हम सारी ज़िंदगी जिस चीज़ से भागते हैं असल में वही हमारी ज़िंदगी का असल जिसे कहते हैं वसूल होता है परे हट लव एक्चुअली द
फिल्म की कहानी से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि ये कहानी है कमिटमेंट फोबिक यंगस्टर की, एक यंग लड़का, या यूं कहिए कि आज की जनरेशन तमाम भी शायद इस तरह की है, तो उसको एक बच्चे को एक एग्जांपल बनाया गया है, बट फिल्म का हीरो जो है उसको है कमिटमेंट फोबिया, तो वो मोहब्बत में तो गिरफ्तार होता है लेकिन जब वो कमिटमेंट की बात आती है और शादी तक बात जाती है तो उसकी जान निकल जाया करती है, तो इसलिए इस फिल्म का नाम रखा गया है परे हट लव। सो आसिम साहब, यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु फ्लैग बेयर्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, आप लोग काम कर रहे हैं तो सिनेमा चल रहा है और रिवाइव भी हो रहा है, आप मुझे ये बताएं कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ऐसी कौन सी 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में होती हैं? फ्रैंकली, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मेरे लिए जो सबसे अहम होता है वो एक स्क्रिप्ट होता है कि हमारी फिल्म का स्क्रिप्ट, उसकी कहानी, उसका प्लॉट वो कितना बामकसद है। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ प्रीची हो, लेकिन हाँ इंटरटेनिंग होनी चाहिए और उस इंटरटेनमेंट में कुछ लेयर्स होनी चाहिए कि आप सतही तौर पे भी इंटरटेन हो, लेकिन अगर उससे थोड़ा डीप जाएं तो उससे कुछ पैगाम भी लेके, कोई मैसेज भी लेके, कोई लर्निंग भी लेके जा सके। सो मैं ऑनेस्टली मैं सिर्फ एक का नाम लूँगा, वो है फिल्म की कहानी। मेरे लिए वो सबसे अहम होती है। अच्छी है तो फिर बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो, जिसे कहते हैं ना कि फिर तो बहुत से दर खुल जाते हैं जिसके लिए ढूंढ मचती है, लेकिन अगर अच्छी कहानी है तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपने ये तो एक्सप्लेन किया है कि वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर परे हट लव टू कम आउट ऑन ईद, बट जैसे हमने इस ईद पर देखा 3-4 फिल्में एकदम साथ में इकट्ठी आ गई, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट तो यही करेंगे कि शायद फिर से 3 या 4 फिल्में आएँ, आपने तो अनाउंस कर दी, तो ये उस इस डायनामिक को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या लगता है कि कोई भी फिल्म उससे बेनिफिट कर पाती है इस तरह की चीज़ से? देखिए सर, ये हम में से कोई भी, हमारी किसी की मीरास नहीं है ईद। अक्लमंदी इसी में होती है कि जो इंसान अनाउंस कर दे और अगर उस वो तैयार है, जैसे हमने जब फिल्म शुरू की थी हमने उस वक्त अनाउंस किया था कि 2019 की ईद उल अज़हा में हम आएँगे, ये बात मैं कर रहा हूँ आज से 8 माह पहले की। उसके बाद हम वक्तन फवक्तन रिमाइंडर्स फेंकते रहे हैं, आज फिर से हम बता रहे हैं कि अब हम मज़ीद आगे माशाल्लाह हैं, पहुंच गए हैं कि हमने फिल्म रैप कर दी है और अब हमारा बस पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होने लगा है। तो कुछ हम सबको थोड़ा सा मिलके काम करना होगा कि अगर एक इंसान ने फिल्म अनाउंस कर दी है और हम देख रहे हैं कि वो प्रोग्रेस भी कर रहा है, तो दूसरे को थोड़ी सी बैक सीट लेनी होगी। हमें एक दूसरे से ये ज़िद नहीं होनी चाहिए कि नहीं, अगर वो ईद उल अज़हा पे आ रहे हैं तो मुझे भी ईद उल अज़हा पे आना है, या मैं तो हर ईद उल अज़हा पे आता हूँ। जिस तरह मैंने कहा, ये मीरास नहीं है किसी का। मैं कई दफ़ा तैयार नहीं हूँगा, दूसरा मुझसे पहले तैयार होगा। पिछली दफ़ा ये हुआ था होमन जहाँ मैं ईद उल अज़हा पे ला रहा था और हुमायूं की फिल्म मुझसे पहले तैयार थी ईद उल अज़हा के लिए, तो फिर मैंने अनाउंस करने के बावजूद उसे पुल किया था और मैंने कहा था नहीं, हम बहुत सारी फिल्में इकट्ठा नहीं ला सकते, इसलिए मेरी फिल्म ऐसी है वो वेट कर सकती है। हम उसको लेके चले गए थे 1 जनवरी को। इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि बाकी भाई भी अक्लमंदी का इजहार करेंगे और गैर ज़रूरी तौर पर नहीं जाएंगे उस डेट के पीछे। अगर उनको इतनी ही अशद ज़रूरत लगती है जैसे मुझे लगती थी इस फिल्म के प्लॉट को लेके, तो मैं ज़ाहिर है उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट। परे हट की रैप अप पार्टी रैप अप हो चुकी है, सब लोग वहां जाके खाना खा रहे हैं, मुझे भी भूख लग रही है तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ खा लूँ। आमना भी शायद वहीं है, तो विल सी यू गाइस सून।